सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार सैमसंग की गैलेक्सी एस सीरीज बहुत पॉपुलर है और अभी हम बात कर रहे हैं अपकमिंग गैलेक्सी एस 22 अल्ट्रा की। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और यहाँ पे हमारे पास में आ गया देखने को एक फर्स्ट लुक इसी फोन का। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, लाइक और शेयर कर दीजिए बिकॉज जो फोन है वो बहुत ही क्रेजी कमाल होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों यार यहाँ पे ना मतलब ये जो S22 Ultra है इसके हमने बहुत सारे लीक्स देख लिए, काफी सारे तरह तरह के रेंडर्स आ गए थे। पता नहीं यार फोन कैसा होगा ना, सबके दिमाग में चल रहा था कुछ ना कुछ, और मतलब कभी कुछ डिजाइन जो लगता है यार क्या वाकई में ऐसा होगा। अभी यहां पर दोस्तों हमारे पास में फोन की लाइव इमेजेस आ गई हैं। ये अभी कोई रेंडर्स की बात नहीं हो रही है, रेंडर्स भी दोस्तों खैर जो हमने देखे थे अभी रिसेंटली वो बिल्कुल एक्यूरेट थे। और अभी दोस्तों जो फोन की लाइव इमेज आई है कर्टसी फ्रंट पेज टेक, वो कुछ ऐसी है। यहां पर दोस्तों अभी सैमसंग क्या कर रहा है ना, गैलेक्सी नोट फोन जो है उसको कर रहा है बंद। अभी दोस्तों कोई भी नया नोट नहीं आने वाला है, एटलीस्ट अभी जितना हम देख पा रहे हैं नियर फ्यूचर में। आगे अगर पता नहीं सैमसंग दोबारा से यू नो लेके आ सकता है, लेकिन अभी दोस्तों होने वाला है एस पेन वाला फंक्शन गैलेक्सी एस 22 सीरीज में इनबिल्ट। एस 21 अल्ट्रा के अंदर एस पेन का सपोर्ट था लेकिन कहीं एस पेन ना घुसाने की जगह नहीं थी, तो मतलब वो टेक्निकली इतना प्रैक्टिकल हो नहीं पाता है। लेकिन अभी दोस्तों यहां पे जो आए निकल के लेटेस्ट यू नो लीक्स के बाद में जो लेटेस्ट फोटोज निकल के आई है गैलेक्सी एस 22 अल्ट्रा की, यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो एस पेन है वो फोन में बड़े आराम से गैलेक्सी नोट फोन की तरह अंदर आप स्टोर कर पाएंगे। इनफैक्ट दोस्तों जो फोन है ना वो काफी बॉक्सी है दिखने में और ये काफी हद तक आपको याद दिलाता है गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की, जहां पे सामने दोस्तों अगर आप देखेंगे ना तो एक तरीके से इनडिस्टिंग्विशेबल है फोन गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा से अगर आप कंपेयर करते हैं इसी एस 22 अल्ट्रा को। और बाकी दोस्तों खैर यहां पे जो पीछे की तरफ कैमरा वाला नया डिजाइन निकल के आया ना, ये काफी यूनिक सा है सैमसंग के इसी फोन में, जो कि आपको गैलेक्सी ए सीरीज के कुछ फोन की दोस्तों याद दिलाएगा काफी हद तक, जिस तरीके से कैमरा को लेआउट जो है वो सैमसंग ने रखा है। और इनफैक्ट दोस्तों यहां पर अगर आपसे बात में करता हूं कैमरा स्पेसिफिकेशंस की, तो यहां पे जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपको सिमिलर मिलेंगी एस 21 अल्ट्रा की तरह, जहां पे होगा 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, फिर है कैमरा 10 मेगापिक्सल के 3x जूम और एक और 10 मेगापिक्सल का 10x पेरिस्कोप जूम के साथ में। और यहां पर दोस्तों सैमसंग ने ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू इन कैमराज को और एलिवेट किया ही होगा, जहां पर दोस्तों फोन जो है ना वो मेरे ख्याल से काफी और लंबी बैटरी लेके आने वाला है। बिकॉज अगर आप देखें फोन का ये दोस्तों साइड प्रोफाइल, तो फोन दिखने में काफी थिक लगता है बिकॉज अगेन यहां पर हमको जगह बनानी थी एसपिन को स्टोर करने के लिए। तो यहां पर दोस्तों जो एक्स्ट्रा थिकनेस है आई एम श्योर कि हमको मिलने वाली है और ज्यादा बैटरी कैपेसिटी, बिकॉज ये फोन अभी इतना थिक है तो आपको जो कैमरा बंप है वो भी ऐसा कुछ इतना मेजर दिखने में मिलता है दोस्तों, आपको बस वो हल्का हल्का जो है वैसे रिंग्स बस बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ये है गैलेक्सी एस 22 अल्ट्रा। मास प्रोडक्शन में जाने से पहले ये फोन के एक्चुअल मॉडल की एक लाइव फोटो निकल के आ गई है अलग अलग एंगल से, तो यार लीक्स जो है वो कुछ ज्यादा हो जाते हैं इनफैक्ट कई बार। और यहां पे अब उस वक्त से बात में करता हूं फिर बाकी स्पेसिफिकेशंस की। तो यार देखो ऑफकोर्स इसमें होने वाला है लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 898 प्रोसेसर या फिर जो होगा एक्सिनोस का लेटेस्ट वेरियंट, डिपेंडिंग की कौन से रीजन में फोन बिकता है। ऑफकोर्स दोस्तों इस फोन में जो है वो लगता है अप टू 16 GB की रैम होने वाली है, सैमसंग की जो रैम प्लस टेक्नोलॉजी है जहां पे रैम और एक्स्ट्रा वर्चुअली एड हो जाएगी, तो अप टू 20 GB की आप रैम समझ सकते हो। ऑफकोर्स दोस्तों एक 120Hz वाला डिस्प्ले होगा, क्वाड HD स्क्रीन होने वाला है और यहीं पे हमको मिलने वाला है S-Pen का सपोर्ट। सामने से जो कैमरा है वो फिलहाल के लिए अंडर डिस्प्ले नहीं है, जो कि रूमर्स तक ही होने वाला है, लेकिन फिलहाल दोस्तों देखने लगता है कि ये एक्सटेंडेड कैमरा जो है वो सैमसंग फिलहाल यूज करेगा इसी फोन में, बिकॉज जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं वो अभी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं यार एक बेहतरीन लेवल पे जाके अंडर डिस्प्ले कैमराज के साथ में। तो ये है गैलेक्सी एस 22 अल्ट्रा। बात करता हूं मैं खैर इसके लॉन्च होने की, तो यहां पे ये फरवरी के सेकंड वीक में लॉन्च होने वाला है, तो अभी ज्यादा टाइम अभी बाकी है नहीं, और वैसे तो यार टाइम बाकी है बिकॉज अभी हम बात करें नवंबर की, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने बाद की हम बात कर रहे हैं और फोन की लाइव इमेजेस सामने आ गई हैं। खैर कॉन्सेप्ट्स और रेंडर्स तो बहुत सारे निकल के आए थे, ये है लेकिन एक्चुअल में सैमसंग का गैलेक्सी एस 22 अल्ट्रा।
और नोट सीरीज वाले जो फोन हैं, एस सीरीज वाले, मतलब ये पूरा दोस्तों कॉम्बिनेशन सैमसंग प्लान कर रहा है। आई एम श्योर कि ये बहुत ही कमाल मूव है। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सैमसंग की गैलेक्सी एस सीरीज बहुत ही पॉपुलर है और अभी हम बात कर रहे हैं अपकमिंग गैलेक्सी एस 42 अल्ट्रा की। तो आज हम इस वीडियो को देखते रहिए और यहाँ पे हमारे पास आ गया है के लिए फर्स्ट लुक इस फोन का। काफी सही है, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। क्या वाकई में ये होता है यहाँ पे ना, मतलब अल्ट्रा है आपका फोन कैसा होगा ना, सबके दिमाग में चल रहा था कुछ ना कुछ, कभी कुछ यहाँ पे दोस्तों अभी सैमसंग क्या कर रहा है ना, गैलेक्सी नोट फोन जो है उसको कर रहा है बंद। अभी दोस्तों कोई भी नया नोट नहीं आने वाला है, एटलीस्ट अभी जितना हम देख पा रहे हैं नियर फ्यूचर में। आगे अगर पता नहीं सैमसंग दोबारा से यू नो लेके आ सकता है, लेकिन अभी दोस्तों होने वाला है एस पेन वाला फंक्शन गैलेक्सी एस 22 सीरीज में इनबिल्ट। आई मीन एस 21 अल्ट्रा के अंदर एस पेन का सपोर्ट था, लेकिन कहीं एस पेन ना घुसाने की जगह नहीं थी, तो मतलब वो टेक्निकली इतना प्रैक्टिकल हो नहीं पाता है। लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पे जो आए निकल के लेटेस्ट यू नो लीक्स के बाद में जो लेटेस्ट फोटोज निकल के आई है गैलेक्सी एस 22 अल्ट्रा की, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो एस पेन है वो फोन में बड़े आराम से गैलेक्सी नोट फोन की तरह अंदर आप स्टोर कर पाएंगे। इनफैक्ट दोस्तों जो फोन है ना वो काफी बॉक्सी है दिखने में, और ये काफी हद तक आपको याद दिलाता है गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की, जहां पे सामने दोस्तों अगर आप देखेंगे ना तो एक तरीके से इनडिस्टिंग्विशेबल है फोन गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा से अगर आप कंपेयर करते हैं इसी एस 22 अल्ट्रा को। और बाकी दोस्तों खैर यहां पे जो पीछे की तरफ कैमरा वाला नया डिजाइन निकल के आया ना, ये काफी यूनिक सा है सैमसंग के इसी फोन में, जो कि आपको गैलेक्सी ए सीरीज के कुछ फोन को दोस्तों याद दिलाएगा काफी हद तक, जिस तरीके से कैमरा को लेआउट जो है वो सैमसंग ने रखा है। और इनफैक्ट दोस्तों यहां पर अगर आपसे बात में करता हूं कैमरा स्पेसिफिकेशंस की, तो यहां पे जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपको सिमिलर मिलेंगी एस 21 अल्ट्रा की तरह, जहां पे होगा 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, फिर है कैमरा 10 मेगापिक्सल के 3x जूम और एक और 10 मेगापिक्सल का 10x पेरिस्कोप जूम के साथ में। और यहां पे दोस्तों सैमसंग ने ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू इन कैमरास को और एलिवेट किया ही होगा, जहां पे दोस्तों फोन जो है ना वो मेरे ख्याल से काफी और लंबी बैटरी लेके आने वाला है। बिकॉज अगर आप देखें फोन का ये दोस्तों साइड प्रोफाइल, तो फोन दिखने में काफी थिक लगता है, बिकॉज अगेन यहां पे हमको जगह बनानी थी एस पेन को स्टोर करने के लिए। तो यहां पे दोस्तों जो एक्स्ट्रा थिकनेस है आई एम श्योर कि हमको मिलने वाली है और ज्यादा बैटरी कैपेसिटी, बिकॉज ये फोन अभी इतना थिक है, तो आपको जो कैमरा बंप है वो भी ऐसा कुछ इतना मेजर दिखने में मिलता है दोस्तों, आपको बस वो हल्का हल्का जो है वैसे रिंग्स बस बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ये है गैलेक्सी एस 22 अल्ट्रा। मास प्रोडक्शन में जाने से पहले ये फोन के एक्चुअल मॉडल की एक लाइव फोटो निकल के आ गई है अलग अलग एंगल से, तो यार लीक्स जो है वो कुछ ज्यादा हो जाते हैं इनफैक्ट कई बार। और यहां पे अब उस वक्त से बात में करता हूं फिर बाकी स्पेसिफिकेशंस की। तो यार देखो ऑफकोर्स इसमें होने वाला है लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 898 प्रोसेसर, या फिर जो होगा एक्सिनोस का लेटेस्ट वेरियंट, डिपेंडिंग की कौन से रीजन में फोन बिकता है। ऑफकोर्स दोस्तों इस फोन में जो है वो लगता है अप टू 16 GB की रैम होने वाली है। सैमसंग की जो रैम प्लस टेक्नोलॉजी है, जहां पे ये रैम और एक्स्ट्रा वर्चुअली एड हो जाएगी, तो अप टू 20 GB की आप रैम समझ सकते हो। ऑफकोर्स दोस्तों एक 120Hz वाला डिस्प्ले होगा, क्वाड HD स्क्रीन होने वाला है, और यहीं पे हमको मिलने वाला है एस पेन का सपोर्ट। सामने से जो कैमरा है वो फिलहाल के लिए अंडर डिस्प्ले नहीं है, जो कि रूमर्स तक ही होने वाला है, लेकिन फिलहाल दोस्तों देखने लगता है कि ये एक्सटेंडेड कैमरा जो है वो सैमसंग फिलहाल यूज करेगा इसी फोन में, बिकॉज जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं वो अभी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं यार एक बेहतरीन लेवल पे जाके अंडर डिस्प्ले कैमराज के साथ में। तो ये है गैलेक्सी एस 22 अल्ट्रा। बात करता हूं मैं खैर इसके लॉन्च होने की, तो यहां पे ये फरवरी के सेकंड वीक में लॉन्च होने वाला है, तो अभी ज्यादा टाइम अभी बाकी है नहीं, और वैसे तो यार टाइम बाकी है, बिकॉज अभी हम बात करें नवंबर की, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने बाद की हम बात कर रहे हैं, और फोन की लाइव इमेजेस सामने आ गई हैं। खैर कॉन्सेप्ट्स और रेंडर्स तो बहुत सारे निकल के आए थे, ये है लेकिन एक्चुअल में सैमसंग का गैलेक्सी एस 22 अल्ट्रा।
और नोट सीरीज वाले जो फोन हैं, एस सीरीज वाले, मतलब ये पूरा दोस्तों कॉम्बिनेशन सैमसंग प्लान कर रहा है। आई एम श्योर कि ये बहुत ही कमाल मूव है और बहुत सही डायरेक्शन में मूव है सैमसंग की तरफ से, जहां पे हम देखेंगे साल में एक बार गैलेक्सी एस लाइन एकदम यू नो फ्लैगशिप फोन, और दूसरी साल दोस्तों जो होगा मतलब यू नो सेकेंड हाफ में साल के, वहां पर मिलने वाले हैं फ्लिप और फोल्ड स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से। तो आई मीन ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है और फिलहाल के लिए देख के तो यार ये फोन काफी सही लगता है। वन यू आई फोर की हम बात कर रहे हैं, सैमसंग इस तरीके से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज कर रहा है आजकल, वो भी बहुत सही है। और जो फोन है वो दिखने में डेफिनेटली एकदम सीरियस बिजनेस टूल लगता है, स्पेशली इसी एस पेन के साथ में। देखते हैं वैसे कि क्या वाकई में ये होता है क्या, बिकॉज खैर होना तो यही है वाकई में एस ट्वेंटी अल्ट्रा। आप लोग लाइक और शेयर करते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका इस फोन के बारे में खैर आखिर क्या कहना है। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।